हेलो गाइज, नमस्ते। मैं हूं अमित रेशांक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक फ्री प्लगइन के बारे में जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैंने सोचा कि आपको भी इसके बारे में बताया जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे प्लगइन। उसका नाम है साइमेटिक्स ओरिजिन। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्लगइन अभी फ्री है। इसके डाउनलोडिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको डाउनलोड करिए। इसके पहले एक साइमेटिक्स की और प्लगइन आई थी, साइमेटिक्स स्पेस शायद नाम था, रिवर्ब की प्लगइन थी जो कि फ्री थी, लेकिन शुरू में लोगों ने डाउनलोड नहीं किया कि फ्री है छोड़ो अच्छी नहीं होगी। बट अभी उसके जो प्राइस है वो है $48। इसलिए कोई भी प्लगइन फ्री आती है, अब उसको डाउनलोड करो। ये प्लगइन जो है ये डाउनलोड करिए, इसकी लिंक मैंने दी हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ बंद प्लगइन को, और पहले हम सुनते हैं कि हमने ट्रैक में क्या लिया हुआ है। तो अब हम करते हैं प्लगइन को ऑन, और जो भी इसमें प्रीसेट लगा हुआ है प्लगइन को खोलते समय वो लगा रहने देते हैं और देखते हैं क्या अंतर आता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये प्लगइन क्या है। तो बेसिकली ये लो फाई प्लगइन है, ये इमुलेट करती है जो पहले की ओल्ड टेप मशीन्स हुआ करते थे उनके साउंड को ये इमुलेट करता है। तो हम करते हैं इसको रिसेट, सारी चीजों को हम करेंगे रिसेट और हम बारी बारी समझेंगे सब चीजें क्या है इसमें। और यहाँ पे जो आपको 5 नॉब दिख रही है इन्हीं को समझने की बात है यहाँ पे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉब्स। एंड जो बीच वाली नॉब है द कोर नॉब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने बताया कि जो ओल्ड टेप मशीन्स हुआ करती थी उनके साउंड को इमुलेट करने की कोशिश करती है प्लगइन। जैसे ओल्ड टेप मशीन से साउंड आते थे, इस प्लगइन का यूज करके आप वैसा साउंड बना सकते हैं। इसलिए जब मैंने इसको चालू किया था तो वहाँ पे इसके हाईज एंड लोज कट गए थे, क्योंकि जो ओल्ड टेप मशीन्स हुआ करती थी उनका सैंपल रेट काफी कम होता था, इसलिए वो हाईज एंड लोज रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। नाउ सैंपल रेट एंड फ्रीक्वेंसी का क्या संबंध है उसके बारे में बात करेंगे जब इस नॉब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन नॉब्स के बारे में एक हल्का सा थ्योरी जान लेते हैं। यहाँ पे आपका सेचुरेशन नॉब है, बेसिकली ट्यूब एंड ड्राइव सेचुरेशन ये। उसके बाद यहाँ पे नॉइज़ है, बहुत डिफरेंट टाइप की नॉइज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ओल्ड टेप मशीन हुआ करते थे वो पिच को ऐसे वेवरिंग करते थे, बहुत ज़्यादा वो वॉबलिंग काइंड ऑफ साउंड आता था। ठीक है, तो इसको आप बढ़ा के वो चीज़ ऐड कर सकते हैं अपने सिग्नल में। ओके, यहाँ पे कोरस है, ये भी हम देख लेंगे क्या है। यहाँ पे बीच पे आपका रिसैम्पलर या फिर कोर नॉब ऑफ दिस प्लगइन, जैसा कि ये साइमेटिक्स वाले इसको कहते हैं। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट इसका यूज़ कोई करता नहीं है, जनरली हम यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं या फिर जो भी आप DAW यूज़ करते हैं उसके हिसाब से। यहाँ पे है आपका प्रीसेट जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी हम प्रीसेट अगर हम चेक करें 90-100, ठीक है, तो यहाँ पे 90-100 का टाइम पे जो भी साउंड होता था उसको इमुलेट करने की कोशिश की गई होगी मेरे ख्याल से। सुनते हैं। लोफाई, ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्लगइन है ये आपको, खैर मैं तो लोफाई नहीं बनाता, बट मुझे कहाँ पे काम आने वाली है मुझे पता है। जैसे कोई गाना आ गया जहाँ पे हमें शुरू में थोड़ा सा विंटेज इफेक्ट चाहिए होता है, पुराना टाइप का गाना है, देन वो नए में ट्रांजिशन करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लगइन काम में आती है। कजरा सॉन्ग जब मैंने बनाया था तो वहाँ पे मेरे पास ये प्लगइन नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे बीट क्रशर का यूज़ किया था, और वहाँ पे मैंने यूज़ किया था जस्ट लो कट हाई कट लगा के EQ से मैंने ये इफेक्ट दिया था उसको। बट अभी क्या है, ये प्लगइन होते तो मैं क्या करता कि एक ही प्लगइन से वो पूरा काम हो जाता। ओके, तो बेसिकली हम इसको करते हैं रिसेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बड़े वाले नॉब की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉ ये बड़ा वाला नॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा है, ये आपका सैम्पल रेट दिखाता है। ठीक है, अगर मैं इसको ट्विक करूं, तो आप देख रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। मैं एक काम करता हूं, मैं इस प्लगइन के नीचे एक ले लेता हूं स्पैन, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी एनालाइजर है जो कि आपको फ्रीक्वेंसी दिखाता रहेगा। ठीक है, और ये जो नॉब ये कर क्या रही है ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। नाउ एक थ्योरम है जिसको कि हम कहते हैं नाइक्विस्ट थ्योरम ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि नाइक्विस्ट शैनन ने दिया था। और ये थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें रिकॉर्ड करनी है, लाइक हमें 20K तक अगर रिकॉर्ड करना है, जैसे हम फ्लूट रिकॉर्ड करें और हम चाहते हैं पूरा 20 से लेकर 20K तक फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड हो, तो मिनिमम हमें इसका डबल सैम्पल रेट रखना पड़ेगा, तभी जाके हम इतना रिकॉर्ड कर पाएंगे। मतलब अगर हमें 20 से 20,000 Hz तक फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करनी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो हमें उसका सैम्पल रेट उसका दुगना रखना पड़ेगा, मतलब 40 kHz। ठीक है, तभी जाके वो रिकॉर्ड हो पाएगा। नाउ आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि हमें जब फ्रीक्वेंसी का दुगना रखना पड़ता है तो हमें तो 40 kHz रखना चाहिए,
बट हम 44 क्यों रखते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, और ये एलियासिंग से बचने के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं किसी दूसरे वीडियो में इसको कवर करूंगा, बट अभी आपके काम की चीज ये है कि जितना भी फ्रीक्वेंसी आपको रिकॉर्ड करना उसका दोगुना कम से कम आपको सैंपल रेट रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सैंपल रेट कम कर दूंगा, जैसे मैं कर दूंगा 10,000 के आसपास, और फिर ये सैम्पलर इसको रिसैम्पल कर देगा 10,000 किलो हर्ट्ज सैंपल रेट के साथ, तो इसका आधा फ्रीक्वेंसी बस हम सुन पाएंगे, मतलब 5,000 के आसपास हम सुन पाएंगे। सुनते हैं, देखते हैं इसको। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5,000 के आसपास आए जब मैंने इसको 10,000 के आसपास रखा। तो अगर मैं इसको कर दूँ करीब 6,000, तो ये आपका आ जाएगा 3,000 फ्रीक्वेंसी, ये आपका यहाँ तक 3K तक हमें सुनाई देगा। ठीक है, अगर हम 44 पूरा कर दे तो हमें ये 20K हर्ट्ज तक सुनाई देगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे हैं ये चीज, बट इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका यूज क्या है। इसका यूज यही है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो ओल्ड टिप मशीन्स हुआ करते थे वो इतना तक रिकॉर्ड नहीं करते थे, तो एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज हमें सुना पाती थी। ठीक है, तो हम इसको करके उन साउंड को हम इम्यूलेट कर सकते हैं। लाइक बाजरे दा सिट्टा सॉन्ग है, तो वहाँ पे शुरू में क्या है कि वो एक ओल्ड टेप टाइप का साउंड आता है, जहाँ पे नॉइज आपको सुनाई दे रही है, सैचुरेशन आपको सुनाई दे रहा है, और वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वो भी पूरा हाईज आपको सुनाई नहीं दे रही, वो भी कट हो गई, काफी की गई है। ठीक है, तो सेम चीज आप यहाँ से कर सकते हैं, वही चीज। ओके, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से बंद, और इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सैचुरेशन नॉब है। नाउ ये क्या करेगा, ये सैचुरेशन ऐड करेगा, बेसिकली आपका ट्यूब सैचुरेशन ड्राइव ये ऐड करता है। सुनते हैं और इसको ऐड करते हैं। ठीक है, आपको सुनाई दे रहा होगा, मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा भरा भरा यहाँ से सुनाता हूँ। जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि जो एनालॉग हार्डवेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सैचुरेशन, अपनी एक टोन, एक नॉइज ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये प्लगइन इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो यहाँ से सैचुरेशन ऐड होता है। यहाँ से एक चीज़ है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की नॉइज है बहुत, कि कैसेट 1, कैसेट 2, कैसेट 3, कैसेट 4, माइक्रो कैसेट्स एंड रील टू रील, और ये विनाइल सबका दिया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं आपको सुनाऊँ, एक खाली जगह पे हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम नॉइज सुनेंगे तो हमें अलग से सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरा साउंड नहीं सुनाई देगा। सो अगर आपको नॉइज ऐड करना है, इफ यू रियली वांट टू मेक इट लाइक ओल्ड टेप साउंड, तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मैं एक बार इस पैन खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको ये चीज समझा पाऊँ। ये मैंने ऐसे ही बढ़ाया ताकि मैं आपको ये चीज समझा पाऊँ। नाउ यहाँ पे एक चीज है, प्री एंड पोस्ट रिसैम्पलर। अभी ये जो आपकी नॉइज यहाँ पे है, इसको आपको प्री रिसैम्पलर रखना है या फिर पोस्ट रिसैम्पलर रखना है। रिसैम्पलर मतलब ये, ठीक है, मैं समझाता हूँ लेमैन टर्म में। आप चाहते हैं कि जो आपकी ये जो नॉइज है उस पर ये अप्लाई हो या नहीं, मतलब अगर मैंने नॉइज लगा दिया इसमें और अगर मैं इसको रख देता हूँ प्री रिसैम्पलर में, तो क्या होगा कि जो सेटिंग हम इससे करेंगे वो हमारे नॉइज पे भी अप्लाई होगा। मतलब हम जब इसको यहाँ से ऐसे कर रहे हैं तो हमारा जब ये हाई कट करेगा तो हमारे नॉइज को भी कट करता जाएगा, बट अगर हम इसको रखते हैं पोस्ट सैम्पलर में तो ये कट कर देगा, उसके बाद हमारी नॉइज अप्लाई होगी। मतलब इसके वजह से एक हाई कट लग जाएगा, उसके बाद हमारी ये चीज़ अप्लाई होगी। और सेम ये जितनी चीज़ें यहाँ पे हैं, ये सब ही वही चीज़ें हैं। ओके, तो हम देखते हैं, पहले मैं इसको रखता हूँ प्री पे। अब आप देख रहे हैं पूरा यहीं तक ये था, क्योंकि नॉइस के ऊपर भी ये अपना असर डाल रहा है। बट अगर मैं इसको कर दूंगा पोस्ट, अब ये नॉइस के ऊपर अपना असर नहीं डालेगा। अब देखिए नॉइस यहां पे सुनाई दे रहा है। अगर मैं इसको कर दूंगा प्री, तो जैसे जैसे मैं रिसैम्पलर कम कर रहा हूं वैसे वैसे नॉइस भी कम हो रहा है। ठीक है, बट अगर मैं इसको कर दूंगा पोस्ट तो इससे रिश्ते, बंधन, नाते सब टूट जाएंगे। ठीक है, और गाइस मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि मैं कोई भी चीज़ इसमें से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, जैसे सैचुरेशन बताना हो रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ, और नॉइज़ भी मैंने ज़्यादा अप्लाई किया, ये मूवमेंट भी मैं ज़्यादा अप्लाई करने वाला हूँ। ये इसलिए क्योंकि
आप में से जो लोग बिगनर्स हैं वो इतना सटल डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं बहुत ज़्यादा कम इसको यूज़ करता जितना यूज़ किया जाना चाहिए, तो आप में से काफ़ी लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि ये नॉब कर क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, दैट्स वाई थोड़ा सा मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग सुन के समझ, अच्छा ये चीज़ कर रहा है ये नॉब। ठीक है, ताकि आप जब यूज़ करें तो अपने हिसाब से इसको यूज़ करें। नॉइज़ समझ लिए, अब आते हैं मूवमेंट पर। आपको वो दिखाई दे रहा होगा जो पीछे ऊपर नीचे हल्का हल्का जा रही है। तो इतना ज़्यादा तो नहीं यूज़ करते हैं, बट हम हल्का सा यूज़ करते हैं ताकि जैसा वो ओल्ड टेप मशीन साउंड किया करते थे वैसा, जस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे कोरस देखते हैं क्या है। ये थोड़ा सा आपको डबल टाइप का एक कोरस टाइप का वो सुनाई देगा यहाँ पे। इसको आप गिटार में यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। कोरस इफेक्ट एक्चुअली गिटार में बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ गिटार में जैसा मैं सोच रहा था वैसे साउंड कर रहा है, एक नंबर इसका यूज़ काफ़ी आप कर सकते हैं। तो गाइस और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ये पांचों नॉब हैं जो कि मेन है और बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक, मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी और डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस अगेन, अगर आप न्यू हैं या फिर अगर आप चैनल को पहले से देखते हैं बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जस्ट आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है, बट दिस मीन्स अलॉट फॉर द क्रिएटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।